डिस्टर्ब कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय सत्ता पक्ष डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसानों को ये देखिए सर, ये देखिए जस्ट गिव मी अ मिनिस्टर बीजेपी देखिए, आप किताब लेके क्यों खड़े हो, कानून बनाना चाहते हो, आप क्या बोलना चाहते हैं कानून से बताओ। स्पीकर का डायरेक्शन है सर, स्पीकर का डायरेक्शन 115 और वो ये कहता है सर, वो ये कहता है कि कोई भी मेंबर यदि अपनी बातें कहना चाहता है, जैसे अग्निवीर के बारे में उन्होंने कहा या स्टेट के बारे में कहा, उनको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। ये आपका डायरेक्शन है 115(1) और 115(2), इसीलिए वो जो बातें कर रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करें, चाहे अग्निवीर के लिए चाहे वो किसानों के लिए कर रहे हैं। यह आपका डायरेक्शन है, तो किसानों को जो हमने लैंड एक्विजिशन बिल तैयार किया था सही मुआवजा दिलाने के लिए, उसको आपने रद्द किया। वी ऑथेंटिकेट कर देंगे, ऑथेंटिकेट कर देंगे, उसके बाद किसानों को डराने के लिए, याद रखिए शिवजी कहते हैं डरो मत डराओ मत, किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं, सच्चाई थी कि वो अदानी जी अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं, आज तक सड़क ब्लॉक है, अगर आप वहां जाएंगे आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई है। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है, आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते,